खबर चूरू के सादुलपुर से, जहां एक महिमा ने घुमतू परिवार के समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सकारात्मक मुहिम शुरू की। दरअसल बेरासर गांव निवासी गायत्री देवी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। गायत्री देवी हर रोज अपने गांव बेरासर से 12 किलोमीटर दूर जाकर घुमतू जाति के बच्चों को पढ़ाती है। और इतना ही नहीं, गायत्री देवी होली दीपावली जैसे त्योहार भी इन्हीं बच्चों के साथ मनाती है, साथ ही बच्चों को उपहार और खुशियां बांटती है। वहीं गायत्री की इस मुहिम की हर कोई सराहना करता नजर आया। और छोटा सा आ रही हूँ, पिछले 3 महीने से आ रही हूँ। और ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, जो बहुत से बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं, और जो जाते हैं 6वीं 7वीं में जिनका एडमिशन है, उन बच्चों को कहकड़े भी लिखना नहीं आता। मैं इनको एक सीरियस से इनको रहना, इनको पढ़ना लिखना सिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, ताकि ये लोग भी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।